जी बेनती है संगतां नूं, पीर बाबा जी की पैड़ी के बोल कोलू बाबा जी के अर पीर के आपस में किस तरह विचार होए। कोलू भगत पर गलती होगी थी, जवान नहीं रही थी बस में पीर ने कोलू भगत को डांट दी। यो पीर मन दे का पीर है, पीर किसी का नहीं है, ना भगतों का ना समैया का। जो पीर के असूल बगावा पीर उन्हों का पीर है। और जिन्होंने पीर की गैल पीर की बेअदबी करी उन्होंने पीर ने बख्शिया नहीं है। भाई जी वीडियो एडिटर साहब, यूट्यूब चैनल बिंदर प्रजापत जिन्होंने वो प्रोग्राम शूट कराया सारा पीर महाराज का, बड़ी दूर दूर तक पीर महाराज का प्रोग्राम पहुंचा गया, जिन्हें संगत ने बड़े प्यार से चौंकी भरी है पीर महाराज की, उन्होंने दुनिया देखा गई। भाई जी बिंदर प्रजापत के नाम से चैनल आ पिंड थंबड़ भाई जी का, बड़ी दूर दूर तक चर्चे हैं पीर महाराज के इस चैनल के द्वारा। सारे ने मेरे वीरां ने चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और पीर महाराज की अमर कहानी, पीर बाबा की कथा, बड़े अच्छे अच्छे ढंड समय, बड़े दूर दूर के कलाकार, बड़े धुरंधर लोग, बड़े कथावाचक लोग, जिन्हों की शूटिंग, जिन्हों की वीडियो बना मेरे भाई के पास, बड़े महान लोग जो पीर महाराज ने याद करा उनके कथा न उनकी पैड़ियां सुनना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो सच्चे दरबार की। जिसके कहने थे पीर ने काम करे दुनिया के, मामा नु पुत दिए, भैणा के वीर मिलाए, डुबे के बेड़े पार लाए, जिनके काम करा वा बरकत नहीं थी, बरकत करी मेरे पीर ने, बिछड़े मेल कराए। जय हो। अंबाले शहर का रहने वाला था दुनी चंदवाणिया, अंबाले शहर का
कोलो बाबे का पूरा नाम था, पूरी चढ़ाई हो गई थी। लवा लवा लग के मैं झंडे झूड़ गए थे भी भगता भागड़ा ने पीर का जो कह दे सो बना दे। वो दूनी चंद बाणिया अंबाले का था, रहने वाला था अंबाले शहर का, पुत्र नहीं होया लाद नहीं हुई कई साल। उन्हें पता लग्या भी कोल्लू जट भगता पीर का कुल्ली नगर मार, दोनों बाणिया और उसकी घरवाली दोनों पीर नू पीर के भगत नू मिलने के वास्ते कुल्ली के जंगल में आए, जहां दरबार है पीर का, जहां पुराना दरबार कोल्लू बाबे ने बनाया था, वहां करतारपुर लंगर बसया वहां जहां पीर ने पास चलाया था। सियाने कहा भी जिस टाइम कोल्लू भगत पीर महाराज बैठे चौपड़ सार खेल रहे हैं और दुनी चंद बाणिया है गया पास, दुनी चंद बाणिया ने कोल्लू के पैर हाथ लाए। क्यों? क्योंकि बागड़ वाला पीर सिर्फ और सिर्फ कोल्लू बाबे ने दिखा था और किसी ने नहीं दिखा था। कोल्लू भगत नु पीर के दर्शन हुआ, कोल्लू के बातें हुआ थी पीर की, एक थाली में खाना खाया कोल्लू बाबे गल इस मेरे नागा वाले प्लेट में। जब कोल्लू के पैर हाथ लाए कोल्लू बाबे ने कहा भी मेरे पैर हाथ ना लावा, यो बागड़ का पीर बैठा इसके पैर हाथ ला। पीर का भेद खोल दिया कोल्लू जट ने। फिर पीर ने कोल्लू ने कहा था कोल्लू तने गलती कर दी, तने मेरे वचन तोड़ दिए, मन्ने तेरे को कहता भी मैं तन्नू दिखूं तेरे पास आऊं और किसी नु नहीं दिखता है। पीर महाराज ने कोल्लू के कहने ते सुदूनी चंद बाणिया ने भी दर्शन देने पड़े, पर चलाना पड़ा मेरे पीर ने। फिर कोल्लू नु पीर ने कहा था इब भक्ति पूरी होगी, इब तो बागड़ में आइए और तन्नू परचा मही लगा। इतने बोल के कहा पीर महाराज बागड़ में चले गए, कोल्लू बाबा संग लेकर बागड़ में गया। पीर ने किस तरह परचा लाया लिया था भगड़ी के डोने।
जयकारा कोलू बाबे का बोलो सच्चे दरबार की, जयकारा कुरली गद्दी का बोल सच्चे दरबार की।